नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेंदु मंडल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसल सिग्नल कम स्किनर बनाया और उसी का थ्रू मैं आप लोगों को रेगुलर व्यू देता हूँ, वो कल के लिए मतलब मंडे के लिए 4 मई 2020 के लिए मैंने इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का बाइसल लेवल्स दिखाऊंगा, बहुत सारा बाइसल लेवल्स दिखाऊंगा। उसके बाद 100 ई एम एस स्ट्रेटेजी कैंडल स्टिक पैटर्न दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। और मैंने जो निफ्टी बैंक निफ्टी का डायरेक्शन प्रिडिक्शन करता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी टुमारो बोल के जो वीडियो बनाता हूँ और निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस करके जो वीडियो बनाता हूँ, उसका भी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। तो इसमें आप लोगों को बहुत ही सुविधा होगा निफ्टी का मूवमेंट पकड़ने के लिए और निफ्टी का प्रोबेबल लेवल्स क्या होता है निफ्टी का ट्रेड करने के लिए भी बहुत ही सुविधा हो जाएगा। और ये बाइसल लेवल्स पे में भी आप लोगों को बहुत सारा लेवल्स मिलेगा निफ्टी बैंक निफ्टी का। और मैंने लाइव डेमो दिखाता हूँ, लाइव डेमो अब इक्विटी कमोडिटी सॉरी मेनली निफ्टी बैंक निफ्टी का दिखाता हूँ, पेयर ट्रेडिंग ऑप्शन का भी दिखाता हूँ, तो वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसका आप लोग जज कर सकता है कि कितना एक्यूरेसी के साथ ये बाइसल लेवल्स काम करता है और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी काम करता है, उसके हिसाब से आप लोग डिसीजन ले सकता है कि इसमें आप लोग मैं जो ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा हूँ उसमें आप लोग को आप लोग ज्वाइन होकर ये बाइसल लेवल्स आप लोग सीख सकता है। ये ट्रेनिंग का अंत में इसका जो बाइसल लेवल्स है ये फाइल आप लोगों को हैंड ओवर किया जाएगा जितना पोर्शन सीखा जाएगा। और जो लोग मेरा निफ्टी बैंक निफ्टी देखा है उसमें मैंने जो लास्ट प्रोबेबल इम्पोर्टेंट डेट क्या हो सकता है वो मैंने बोलने के लिए भूल गया था, तो ये वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिए, इसमें वो भी आप लोगों को दिखा दूंगा। तो एक मिनट, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार इसको स्क्रीनिंग कर देना पड़ेगा, मैंने एक्चुअली स्क्रीनिंग करके दिखाता हूँ, उसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा, ठीक है स्क्रीनिंग कर लेता हूँ, तो इसमें आप लोगों को भी दिख जाएगा, थोड़ा सा टाइम 2 मिनट टाइम लगता है। इसको मैंने एक्चुअली लंबा प्राइस ज़्यादा प्राइस वाला लेता हूँ ताकि इसका मूवमेंट अच्छा मिलता है। इसके बाद एक वोलेटिलिटी और डिलीवरी परसेंटेज ले लूँगा। अभी जितना वोलेटिलिटी चल रहा है एक्चुअली 1.5 या 2 के ऊपर ठीक रहता है, लेकिन अब वोलेटिलिटी है तो इसीलिए इसका कम रखता हूँ। और डिलीवरी परसेंटेज 20 के नीचे होना चाहिए इंटरडे के लिए, क्योंकि जितना सा वॉल्यूम आता है उसमें मैं डिलीवरी बेसिस कितना कर रहा है और इंटरडे में क्या कितना कर रहा है, ठीक है उसको देख लेना पड़ेगा। तो डिलीवरी परसेंटेज इंटरडे के लिए जितना कम है उतना ही अच्छा है, उसमें अच्छा मूवमेंट मिलता है। ये पॉजिटिव चेंज इन प्राइस लेकिन नेगेटिव चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, तो ओपन इंटरेस्ट को नहीं लेता हूँ क्योंकि इसका पॉजिटिव चेंज इन प्राइस सपोर्ट नहीं कर रहा है और टिपिकल प्राइस का भी नीचे है, ठीक है देख लेता है कुछ क्रॉस ओवर प्रोबेबिलिटी वगैरह कुछ है क्या नहीं। क्रॉस ओवर तो है लेकिन स्टॉक्स कम जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी देखिए आप जाने का प्रोबेबिलिटी जो दिखा रहा है इधर 30 डेज का हिसाब से 15 डेज का 5 डेज का और 1 डेज का हिसाब से इसमें एक निकल जाएगा, क्या करता है देखते हैं। अच्छा दिखा रहा है, इसी में को क्लाउड भी नीचे दिखा रहा है,
ठीक है दोस्तों, इसमें मैंने तीनों ही ले लेता हूँ प्रोबेबिलिटी का हिसाब से। और भी बहुत सारा चीज़ आप लोग को दिखाएंगे, तो इसमें आप लोग को इसको करूँगा तो फिर से दो आ जाएगा और इसमें एक आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये तीनों आप लोग को दिखाता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, जो लोग मोबाइल से देखता है वो लोग को सुविधा होता है। तो देखिए मैंने इसमें जो वाइस, हाँ आज जो मैंने ये वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए तो ये सब नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारा चार्ट का सेटअप्स है, स्ट्रैटेजीज है, टेक्निक्स है, जो कि आप लोगों को कोई भी स्ट्रैटेजी आप लोग अपने और प्रैक्टिस करके, रेगुलर प्रैक्टिस करके उसका एक्यूरेसी बहुत ही हाई रहेगा और बहुत सारा जानकारी का चीज़ भी मिलेगा। बहुत सारा स्ट्रैटेजीज टेक्निक्स है, हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स, पेयर ट्रेडिंग, पावर ऑफ गन एंगल्स, ये सब बहुत सारा चीज़ आप लोगों को जानकारी के लिए मिल जाएगा। ऑप्शन चेन, ये सब बहुत सारा चीज़ है जो आप लोगों को स्टॉक मार्केट में बहुत ही काम करेगा। तो इसीलिए इसको सब्सक्राइब कीजिए और पसंद होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और डिसलाइक भी कीजिए आप कर सकता है, ताकि आप लोग को समझ जाएगा कि मेरे को इम्प्रूवमेंट करना है। तो और पसंद होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, लाइक नहीं करने के लिए नहीं भूलेंगे। और सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिल जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इसका बेनिफिट उठा सकता है। और इसमें और भी मैं ये जो YouTube वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, इसमें आप लोग को टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन होने का लिंक मिल जाएगा। उसमें आप लोग, मैंने पूरा फाइल शेयर करता हूँ, ये जो पूरा फाइल है इसमें शेयर करता हूँ, इसका उसमें आप लोग को ट्रायल मिल जाएगा आप लोग को। और मैं कोई किसी ने इंटरेस्टेड होगा तो मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकता है। मैंने एक दिन के लिए पूरा कोई भी सेगमेंट में कोई एक दिन के लिए मैंने पूरा डेमो दिखा दूँगा और इसका डाउनलोड करने का लिंक भी उधर मिल जाएगा, और डाउनलोड करने का भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो और ये जो बाइस लेवल है, ये इसका एक फाइल है, इसमें क्या क्या है, कैसे स्क्रीनिंग है, इसमें अलग से एक फाइल बना के रखा हूँ, व्हाट आर द थिंग्स अवेलेबल, तो वो भी वीडियो आप लोग देख लीजिए ताकि आप लोग को ये फाइल जो लेवल्स दिखाता हूँ उसमें आप लोगों को सुविधा हो जाएगा। लाइव डेमो वाला और परफॉर्मेंस वाला वीडियो सब भी आप लोग देख लीजिए ताकि आप लोगों को कैसे ट्रेड लेना है वो भी आप लोगों को सुविधा हो जाएगा। तो इसमें देखिए 22, मैंने पहले 22 लेवल तीनों सेटअप 22 लेवल्स पहले दिखाता हूँ। 22 लेवल 1 बाई का एंट्री, 22 लेवल 1 में बाई का एंट्री लेवल बीच में रहता है, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएं तरफ रहता है, टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाएं तरफ रहता है। असल का भी ऐसा है, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएं तरफ और टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाएं तरफ और एंट्री लेवल बीच में रहता है। तो इसमें गैप अप और गैप डाउन होने से के लिए सोच लीजिए, इतना सा गैप, मैंने एक एग्जांपल लेता हूँ, इतना गैप अप हो गया कि 697 के ऊपर ये ओपन हुआ है, तो इसमें आप लोग को 697 के ऊपर ओपन हुआ, 670 687 ये आप लोग इधर स्टॉप लॉस लगा के इस टारगेट के लिए आप लोग देख सकता है। तो ऐसे करके आप लोग को, मतलब मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसे करके आप लोग को ट्रेड लेना है वो समझ लेना चाहिए। और कोई भी लेवल मैच नहीं कि आप लोग को बहुत सारा लेवल्स कंपेयर करके सोच लीजिए, ये 625 दिखा रहा है, ये 629 दिखा रहा है, जो वाला नज़दीक है उसके बाद और भी दिखाएगा 627 629, जो नज़दीक वाला लेवल्स आप लोग देख सकते हैं, जो दूर का लेवल है, जो सोच लीजिए 5 लेवल्स, मैंने 10 लेवल्स दिखाए उसमें 7-8 लेवल नज़दीक वाला है तो वो कॉमन लेंगे और जो दूर वाला है वो छोड़ देंगे। तो ऐसे करके आप लोग को आप लोग कंपेयर करके बेस्ट लेवल चुन सकता है, नहीं तो आप लोग कोई भी एक लेवल आप लोग चुन के काम करेंगे तो कोई वो भी चलेगा, बहुत ही अच्छा चलेगा। और आप लोग को ट्रेड लेने के मतलब वो लेवल आने के बाद उसी के बाई का साइड में नहीं गया और सेल का साइड में नहीं जीता तो मेरे को ज़रूर फीडबैक दीजिए। आप लोगों से, आप लोग को फीडबैक नहीं देता है, आप लोग पसंद करता है या कभी कभी डिसलाइक भी करता है, लेकिन आप लोग कुछ का फीडबैक नहीं मिलता है। एनीवे इसमें बाई सेल लेवल 3 में बाई का एंट्री लेवल बीच में रहा था, सॉरी R1 बाई का एंट्री लेवल है और S1 सेल का एंट्री लेवल है। ठीक है, उसके बाद ये पिवट पॉइंट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इसमें भी आप लोग ट्रेड कर सकता है। बोलिंजर बैंड का अपर बैंड, मिड बैंड, लोअर बैंड, वो भी इसमें से भी ट्रेंड पता चलता है, ट्रेड भी कर सकता है। प्राइस चैनल का अपर बैंड, मिड बैंड, लोअर बैंड, इसके बाद टीरोन लेवल का टॉप लाइन, मिडिल लाइन, बॉटम लाइन। ठीक है, इसके बाद जो दिखाऊंगा वो है गान का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स या गान लेवल्स। ठीक है, ये गान का 1 डिग्री गान का गान एंगल्स का है। ठीक है, गन एंगल्स का सपोर्ट रेजिस्टेंस,
पता कर सकता है सपोर्ट वाला बाई साइड में और रेजिस्टेंस वाला सेल साइड में, और गन्स कवर अप लाइन इसका भी आप लोग नोट कर सकता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। और यह मुरेस मैथमेटिकल लेवल्स, इसमें हाईएस्ट रेजिस्टेंस बीच में रहता है, हाईएस्ट रेजिस्टेंस लोएस्ट सपोर्ट बीच में रहता है, और एस वन से 18 तक इसका सपोर्ट दिखा रहा है, और एच आर वन मतलब हाईएस्ट रेजिस्टेंस प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री इधर रहता है। तो इसमें क्या करना है, गैप अप और गैप डाउन हो कौन सा लेवल पे है बस डिसाइड करना है, उसके बाद आराम से ट्रेड लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोगों का प्रॉफिट आने का चांस 95% के ज़्यादा है, 663 के और 656 के बीच में है। तो आप लोग नीचे वाला ट्रेड लेंगे, 663 और 669 के ऊपर है तो आप लोग ऊपर वाला ट्रेड लेंगे। सोच लीजिए 600-722 के ऊपर है तो आप लोग को 735 के लिए देखना है, और 600-722 का नीचे है तो 715 के लिए देखना है। आप लोग को बस देखना है कौन सा लेवल पे है, उसके बाद ट्रेड डिसीजन लेना है। मेरा लाइव डेमो देख दीजिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आप लोग इसको ट्रेनिंग भी ले सकता है। अच्छा, इजी है गन 360 डिग्री एनालिसिस, इसमें भी ये भी बहुत ही अच्छा चीज़ है। फर्स्ट अपसाइड फर्स्ट साइकिल, अपसाइड डाउन साइड फर्स्ट साइकिल, अपसाइड सेकंड साइकिल, डाउन साइड सेकंड साइकिल, अपसाइड सेकंड साइकिल, डाउन साइड सेकंड साइकिल। इसमें भी यही साइकिल में भी यही साइकिल में मतलब साइकिल थ्योरी जो है, बहुत सारे साइकिल थ्योरी है, एलियट वेव भला है, लेकिन ये साइकिल थ्योरी में ही गन का बेस्ट है और इसमें ही मार्केट चलता है, ये भी एक अच्छा चीज़ है। और ये है गन स्क्वायर अप 12, गन को बहुत सारा चीज़ में मतलब किया जा सकता है, और गन का लेवल का हिसाब से ट्रेंड कहाँ पर है, कौन सा स्टॉक्स का कौन सा गन का ट्रेंड, ये ट्रेंड का पता चलता है। ठीक है, दिखा दिया इसको। इसके बाद निफ्टी बैंक निफ्टी, कुछ लोग समझता है कि जो गन का बहुत ही सिंपल है इसमें, क्योंकि उन लोग का गन एंगल आप लोग सीखेंगे, गन का लेवल सीखेंगे, या गन का ये सबसे कैसे गन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आप लोग सीखने जाएंगे तो 50,000-1,00,000 रुपया ले लेगा, या सॉफ्टवेयर जो सेल होता है वो भी बहुत ही महंगा होता है, इसमें बहुत ही कम कॉस्ट में आप लोग को सिखा देंगे, और उसको लेवल का भी कैलकुलेशन सिखा देंगे, उसके बाद उसका फाइल भी आप लोग को दिया जाएगा। और इतना आसान लगता है क्योंकि फ्री में कुछ वेबसाइट है उसमें गन का लेवल्स दिखाता है, वो नहीं मैच करता। ये देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी का उतना आसान नहीं है, ये बाइसल लेवल 1 निफ्टी बैंक निफ्टी का, ये बाइसल लेवल 2। ये है बाइसल लेवल 3। ये है पिवट पॉइंट, आप लोग पिवट पॉइंट को अच्छी तरह से नोट कीजिए, आप लोग चार्ट में लगा के भी नोट कर सकता है इसका, डेली चार्ट में इसका डिग्री का सपोर्ट रेजिस्टेंस, कोई भी एक लेवल आप लोग देखेंगे कैसे अच्छा काम करेंगे, काम करता है वो आप लोग देख लीजिए। ये है मुरेस मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ठीक है, तो मेरे को फीडबैक दीजिए जरूर। ये है 360 डिग्री एनालिसिस। ठीक है, ये निफ्टी दिखाने का टाइम, अच्छा इसके बाद ये नंबर वाइब्रेशन, ये नंबर थ्योरी है, ये गन का स्क्वायर ऑफ 12। ठीक है, और गन का हिसाब से देखिए, ये निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स अप ट्रेंड दिखा रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स थोड़ा सा डाउन दिखा रहा है, और निफ्टी थोड़ा सा अप दिखा रहा है। आप लोग ऑप्शन चेन एनालिसिस करके भी ऐसा देख सकता है, जो लोग ऑप्शन चेन एनालिसिस जानता है, जो लोग नहीं जानता है वो मेरा निफ्टी बैंक निफ्टी वाला वीडियो जरूर देख लीजिए। और इसमें कमोडिटी का लेवल्स है, बाई सेल लेवल्स 1, बाई सेल लेवल 2। कमोडिटी भी बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है, जो लोग कमोडिटी में इंटरेस्टेड है काम करने के लिए अच्छी तरह से इसका इस्तेमाल कर सकता है। बहुत सारा मैथमेटिकल वाइस ऑन, मैथमेटिकल वाइस ऑन, मैथमेटिकल वाइस लेवल 1, 2, 3, गन्स का लेवल्स, फिबोनाची का लेवल्स, और भी जो लेवल्स दिखाऊंगा वो कोई भी स्क्रिप्ट में 45 डिग्री एनालिसिस या कमोडिटी में भी इतना अच्छा काम करेंगे कि आप लोग आप लोग देख लीजिए इसका एक्यूरेसी कितना आ सकता है।
हाँ बहुत सारा लोग का बहुत सारा टेक्निक है, लेकिन इस टेक्निक को इस्तेमाल करके आप लोग देख सकते हैं। इसका ट्रेंड भी आप लोग देख लीजिए, इसी का ट्रेंड चलेगा। हाँ ऐसा नहीं है कि इसी का ट्रेंड मतलब ऑलवेज चलता है, चलेगा कुछ फर्स्ट सेशन में या थर्ड सेशन में, सेकंड सेशन में या कुछ दिन के लिए चलता है। ये डेली डेली डाटा लेके काम किया है मैंने, निफ्टी बाय निफ्टी का मैंने दिखा दिया था। और अभी इधर नहीं बोलता हूँ, 7 दिन और 1 दिन का हिसाब से आप दिखा रहा है, लेकिन 15 डेज और 30 डेज का हिसाब से डाउन दिखा रहा है। उसका इम्प्लीकेशन का सभी ने सभी मैंने बहुत ही इलेबोरेटली मैंने उधर डिस्कस किया हूँ, तो वीडियो भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अच्छा इसके बाद ये है कि इसका लेवल्स दिखाता हूँ। इसमें ये जो पेज है इसमें भी बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इसमें देखिए ये फिबोनाच, ये फिबोनाची का रिट्रेसमेंट थ्योरी की, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन का, एक्चुअली इधर से मैंने 100 डे मूविंग एवरेज दिखाऊंगा, लेकिन तब भी इस पेज में क्या है एक बार दिखाना चाहता हूँ आप लोग। इसमें आप लोग वो वीडियो जरूर देख लीजिए, लेकिन ये एक्चुअली मैंने इसको दिखाता हूँ कि ये फाइल कितना अच्छी तरह से काम करता है, कितना मतलब काम पे आएगा वो आप लोग को पता चल जाएगा। ये देखिए इसमें अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों साइड में बाइसेल डेवल रखा है। जो अप ट्रेंड का जो स्क्रिप्ट है तो वो अप ट्रेंड, जब सोच लीजिए कोई स्टॉक्स अप ट्रेंड में जा रहा है तो उसमें आप लोग को कौन सा लेवल सही रहेगा, सेफ रहेगा, उसमें आप लोग को एंट्री लेना है। इधर आप लोग को पता चल जाएगा अप ट्रेंड जब रिटेस होकर नीचे आएगा तो उसको कौन सा लेवल पकड़ना है। डाउन ट्रेंड भी ऐसा है, डाउन ट्रेंड जब ऊपर जाएगा रिटेस होकर वो कौन सा लेवल सही रहेगा, डाउन ट्रेंड जब नीचे आएगा उसका कौन सा लेवल सही रहेगा, तो उसमें सी एस शॉर्ट पर भी दे सकता है। और इसमें से आप लोग को ट्रेंड का भी पता चल जाएगा क्योंकि बहुत सारे इंडिकेटर लगा हुआ है, उसका क्रॉस ओवर लगा हुआ है। अपसाइड में 2 दिखा रहा है, मतलब आप जो आप दिखा रहा है डाउन साइड में 2 दिखा रहा है, और डाउन डाउन में जो है ठीक है, इतना सारा चीज़ इधर से करके रखा है। एनीवे इसमें मैंने जो 100 डे मूविंग एवरेज का स्ट्रेटेजी दिखाऊंगा, 100 डे मूविंग एवरेज का जो स्ट्रेटेजी है इसमें देख, हाँ 100 डे मूविंग एवरेज का जो स्ट्रेटेजी है इसमें देखिए, ये जो जो जिस जिस स्टॉक्स का डेली कैंडल को 100 डे मूविंग एवरेज का मूविंग एवरेज काट किया है, किसी जगह से कट कर सकता है, चाहे ऊपर से या अपर वीक से या बॉडी से या नीचे से जस्ट टच करके चला गया, तो इसमें क्या क्या दिखा रहा है। तो उसमें जब नेक्स्ट डे में उसका जब हाई लो तोड़ता है तो अच्छा मूवमेंट मिलता है। इसमें एशियन पेंट में दिखा रहा है, उसमें बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में दिखा रहा है, इसमें CSC में दिखा रहा है। स्ट्रेटेजी भी आप लोग फॉलो करके देख सकते हैं। एस्कॉर्ट्स में दिखा रहा है, आज ज़्यादा नहीं दिखाता हूँ इधर से हीरो मोड। इसके बाद मैंने दूसरा दिखाता हूँ। अच्छा आर्बिट्रेज का इधर बेसिस पॉइंट आप लोगों को मिल जाएगा, इधर से आप लोग आर्बिट्रेज भी कर सकता है, कौन सा फ्यूचर और इक्विटी में कौन सा किसमें ज़्यादा स्प्रेड है, इधर से आप लोग को पता चल जाएगा बेसिस पॉइंट। तो इधर इसी का हिसाब से आप लोग मतलब आर्बिट्रेज ट्रेडिंग भी कर सकता है। और इधर से कोरिलेशन पेयर ट्रेडिंग बना हुआ है, कोरिलेशन पेयर ट्रेडिंग में कोरिलेशन कितना कौन सा स्टॉक्स में कितना कितना कोरिलेशन है, सबसे अच्छा जितना सारा FNO स्टॉक्स है वो मैंने पूरा मतलब एक्सप्लोर करके ये कौन सा स्टॉक्स में कोरिलेशन अच्छा है वो दिखा रहा है। और वो मतलब जो 90% के ऊपर है, एटलीस्ट 85% के ऊपर जो है उसमें आप लोग पेयर ट्रेडिंग कर सकता है। और 1 दिन का हिसाब से, 7 दिन का हिसाब से, 15 दिन का हिसाब से, मतलब कौन सा स्टॉक्स में 7 दिन का हिसाब से, 15 दिन का हिसाब से, 30 डेज के हिसाब से, कौन सा पेयर के अंदर कौन सा स्टॉक्स को बाई करना है, कौन सा स्टॉक्स को सेल करना है, ये आप लोग को ये भी आर्बिट्रेज के तरह ही सियोर शॉर्ट प्रॉफिट दे सकता है एंड सेफ भी दे सकता है। आप लोग को ठीक से स्टॉक चुनना है और कौन सा किसको बाई करना है और किसको सेल करना है इसमें आप लोग को देख लेना पड़ेगा। और इंसर्ट द बार इनर फॉर इनर 7 मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाऊंगा ठीक है।
कैंडलस्टिक पैटर्न का स्किनर आप लोग को मिल जाएगा, लेकिन इधर से इतना पैसे लेवल्स देखे इतना सारा चीज़ आप लोग को मिलना मुश्किल रहेगा। फाइल थोड़ा सा अटक गया है, नेट में बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है, इसी का वजह से इसमें भी प्रॉब्लम आ रहा है। थोड़ा सा रुक गया है, एक मिनट। उसको मैं बंद ही कर लेता हूँ, उसका अलग से फाइल बनाया था मैंने, भूल गया उस फाइल को खोलने के लिए। इसके लिए इसका अलग से फाइल बना के रखा है मैंने। थोड़ा सा धीरज रख के पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिए तो आप लोगों को फायदा ही होगा। तो इसमें देखिए इधर इधर से जो मैंने दिखाऊंगा, फाइल खोलने से इतना देर करता है ये।
सिस्टम में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया। तो देखिए मैंने इधर से कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाऊंगा, और ये लेवल सब लोगों को इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें मैंने वोलेटिलिटी बेस्ड जो डायनेमिक गान लेवल एंगल्स लेवल्स है, गान फिबोनाची लेवल्स, वो आप लोग को दिखाऊंगा, तो इसमें आप लोग को फ़ायदा होगा। आप लोग चाहेंगे तो इसका जो डिले होता है ये पोर्शन को आप लोग फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। तो इसमें देखिए एन एस सेवन बनता है, ये कौन सा वन डे का इनसाइड द बार NR4 NR7, ठीक है, इनसाइड द बार NR4 NR7 में ये देखिए ये स्टॉक्स अडानी पावर ये स्टॉक्स ये NR4 NR7 बना है, ठीक है। इधर हायर हाई हायर लोज स्टॉक्स में बना है, हायर हाई हायर लोज, और इधर और भी देखते हैं कौन सा स्टॉक्स में क्या बना है। हाँ तो मैंने एक बार देख लेता हूँ इसको, और भी क्या पॉजिटिव हैमर वगैरह हैंगिंग मैन कुछ बना है कि नहीं, शायद नहीं बना है। ठीक है उसके बाद देखते हैं और भी आगे बढ़ता है और क्या है, है? 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 तो उसको देख लेता है। और ये जो मास्टर लॉन्ग मास्टर शॉर्ट देख रहा है इसका, ये इसका जब हाई ब्रेक करता है और लो ब्रेक करता है बहुत ही अच्छी तरीके से, ये मतलब हाई लो ब्रेक करता है तो ये इसका बहुत ही अच्छा मूवमेंट देता है। इधर लॉन्ग टेल कैंडलस्टिक पैटर्न, लॉन्ग बॉडी कैंडलस्टिक पैटर्न, बेयरिश रिवर्सल, बुलिश रिवर्सल, आरामी, ये सब चीज़ आप लोग इधर से कैंडलस्टिक आप लोग को मिल जाएगा। एनीवे मैंने इसके बाद लॉन्ग टर्म का कुछ लेवल्स दिखाऊंगा। लॉन्ग टर्म का लेवल्स दिखाने के लिए आप लोग को सुविधा हो जाएगा को कि जो लॉन्ग टर्म्स का लेवल आएगा तो उसको जब लेवल्स आप लोग को सामने आएगा तो इसका मैंने इसका बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी, क्योंकि इतना स्टॉक्स में दिखाने का पॉसिबल नहीं है तो मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी को ही चुन लेता हूँ। निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल्स में आप लोग को दिखाऊंगा कि लॉन्ग टर्म का लेवल्स, फिबोनाची का लेवल्स, गान लेवल्स और वोलेटिलिटी लेवल्स जो दिखाता है, वोलेटिलिटी का बेस्ट फिबोनाची गान एंगल्स जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरा ये बाइसेल लेवल्स का, और वही आप लोगों को ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा, वो आप लोग को कहीं नहीं मिलने वाला, जो भी मिलेगा तो तभी मेरा जो यूनिकनेस है वो आप लोग को नहीं मिलेगा और बहुत ही महंगा चीज़ हो जाएगा। आप लोग को ट्रेनिंग भी महंगा होगा और आप लोग को सॉफ्टवेयर वगैरह खरीद देंगे तो वो भी महंगा होगा। तो एनी है इसका जो बाइसेल लेवल्स आप लोग को दिमाग में रहेगा,
तो कोई इसका बाई सेल लेवल जब आ जाएगा इंटरडे का अंदर बहुत ही अच्छा मूवमेंट मिल जाएगा, नहीं तो बाद में जब इसका लेवल्स ये सब लेवल्स आएगा तो आप लोग को जब दिमाग में ये सब लेवल्स रहेगा तो आप लोग को काम करने के लिए सुविधा हो जाएगा कि इसका इस लेवल से ये रिट्रेस हो सकता है या ये मंथली या डेली 5 डेज का हिसाब से ये मतलब 15 डेज बाई वीकली का हिसाब से ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, तो ये इसमें आप लोगों को काम करने के लिए सुविधा हो जाएगा। तो इसमें और भी मैंने थोड़ा सा जल्दी कर लेता हूँ, 30 डेज ये CPR पिवट पॉइंट भी आप लोग देख सकते हैं उसी का हिसाब से बना है, ठीक है। ये सेक्शन से अच्छा ये सबसे अच्छा चीज़ है, ये वोलेटिलिटी बेस्ड लेवल्स है, ठीक है। इसमें इसका जो फिबोनाची का वाला लेवल्स है, फिबोनाची का लेवल्स और गन एंगल्स का जो लेवल्स है ये आप लोग नोट करके रखिए, और इसमें टैप कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है। ये गन एंगल्स का लेवल्स है, एक एक सेट है, आप लोग को समझ लेना पड़ेगा। ये एक सेट चला, फिबोनाची चला गया, गन एंगल्स चला गया, ये गन डिग्रीज है, ये नहीं और ये नहीं और ये नहीं और ये नहीं और ये नहीं समझेंगे तो आप लोग को मेरे को क्लैरिफिकेशन दे सकता, कमेंट्स में पूछ सकता है या व्हाट्सएप कर सकता है। मेरा इंट्रोडक्शन में आप लोग को व्हाट्सएप नंबर वगैरह फेसबुक पेज सभी दिया हुआ है, तकता है तकता है तकता है तकता है तकता है तकता है, और यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी आप लोग को वो सब मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब ये गन का डिग्रीज का लेवल्स है, गन डिग्रीज का लेवल्स है, ये फिबोनाची का स्टैंडर्ड डिवीजन बेस्ड लेवल्स है, ठीक है। फिबोनाची का स्टैंडर्ड ये इलियट वेव है, इलियट वेव का लेवल्स आप लोग नोट कर सकता है, और इसके बाद जो है वो भी बहुत ही अच्छा है, ये हाई प्रोबेबल लेवल्स है, वोलेटिलिटी बेस्ड हाई प्रोबेबल लेवल्स, ये भी बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है, ठीक है। तो और इसका गन फिबोनाची का लेवल्स से फिबोनाची का लेवल्स का हिसाब से कौन सा क्या क्या दिख रहा है वो भी इधर से दिख जाएगा। इसके बाद कुछ लॉन्ग टर्म का ट्रेंड आप लोग को दिखाऊंगा, लॉन्ग टर्म का ट्रेंड दिखा दिया मैंने, और निफ्टी बैंक निफ्टी का दिखाने का टाइम भी मैंने दिखा दिया, और जो गन टाइम स्पाइस का मैंने बोला था निफ्टी बैंक निफ्टी का टाइम, मैंने कुछ डेट्स जो आ सकता है जो जिसमें ये ईयरली का हिसाब से देखिए, ईयरली का हिसाब से इस सेक्शन को कैलकुलेट किया गया है। तो इधर देखिए इस ये सब डेट्स में इसका कुछ बड़ा चेंज दिख सकता है, ये महीना डे और ईयर का हिसाब से फॉर्मेट में ये इसको सजा गया है, ये सब डेट आप लोग नोट कर सकता है, चला गया है उसमें आप लोग देख सकता है, ये डेली गन टाइम देख सकता है इसमें कितना टाइम में रिवर्सल आ सकता है, और वीकली गन रेट्स ये भी आप लोग देख सकते हैं, वीकली का हिसाब से हाई लो हिसाब से कैलकुलेट किया गया है। गन टाइम स्पाइस कर बहुत ही अच्छी चीज़ है दोस्तों, इसको भी आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से काम कर सकता है, इंटरडे में बहुत ही अच्छी तरह से काम कर सकता है। तो एनीवे तो वीडियो यही ख़त्म कर रहा हूँ, धन्यवाद।